नमस्कार साथियों, अनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। यहां पर साथियों कक्षा 12 कृषि में एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स जो आपका कृषि अर्थशास्त्र है उसका जो है हम यहां पर लेक्चर नंबर 11 लेकर आ चुके हैं। और आज के लेक्चर में हम श्रम की गतिशीलता यानी मोबिलिटी ऑफ लेबर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए श्रम की गतिशीलता का मतलब पहले मैं आपको ऐसे ही बता दूं कि जो लेबरर है हमारा श्रमिक है, ठीक है, लेबरर जो है वो काम के जैसे यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए गोरखपुर में है तो उसको किसी और जिले में, ठीक है, मान लीजिए अयोध्या में और अच्छा काम मिल रहा है तो उस सिलसिले में वो अयोध्या चला गया, तो यही प्रोसेस हो गई गतिशीलता की। ठीक है, यानी वो गतिशील है, चला गया उस सिलसिले में, यह आप समझ गए होंगे। चलिए अब मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ, परिभाषा देखिए क्या होगी। मार्शल कहते हैं कि श्रम की गतिशीलता से अभिप्राय श्रम या श्रमिक का एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय पर जाने की क्षमता या योग्यता को कहते हैं। ठीक है, या मान लीजिए कि वो जो श्रमिक है, एक तो मैंने स्थान का बता दिया कि गोरखपुर से अयोध्या चला गया, वहाँ पे अच्छा काम मिल रहा था। दूसरा ये मान लीजिए आप लोग कि जैसे वो गन्ने के मिल में काम कर रहा था, ठीक है, तो उसको जो है वहाँ पर ज़्यादा नहीं प्रॉफिट हो रहा था तो वो कपड़े की फैक्ट्री में काम करने जाने लगा तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो यही है श्रम की गतिशीलता। श्रम की गतिशीलता के स्वरूप जो है तीन हो सकते हैं। अभी भौगोलिक गतिशीलता जो मैंने अभी आपको बताया था कि गोरखपुर से अयोध्या, ठीक है, दूसरी है आपकी व्यावसायिक गतिशीलता, वो मैंने जो आपको बता रहा था कपड़ा फैक्ट्री गन्ना फैक्ट्री, तीसरा है वर्गीय गतिशीलता। ठीक है, श्रम की गतिशीलता के कारण देखेंगे तो भौगोलिक गतिशीलता के कारण देखेंगे तो आर्थिक कारण, आर्थिक वही जो मैंने पैसे के सिलसिले में, सामाजिक कारण जो सोशल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स यानी राजनीतिक कारण, और रीजनल रिलीजियस फैक्टर यानी धार्मिक कारण कारक। ठीक है, व्यावसायिक गतिशीलता में अधिक वेतन, ठीक है, चूंकि ज़्यादा वो वेतन चाह रहा है, भविष्य में पदोन्नति की आशा कि उसका प्रमोशन होगा अच्छे से, कार्य में उसको सुरक्षा लग रही है, व्यवसाय उसको आकर्षित कर रहा है, और वर्गीय गतिशीलता के कारण देखेंगे तो वर्गीय गतिशीलता और श्रमिक गतिशीलता, श्रमिक की गतिशीलता में आने वाली बाधाएं देखेंगे तो यहाँ पर स्थानीय तथा पारंपरिक मोह, ठीक है, क्योंकि वो अब जहाँ पर रह रहा है कई टाइम से तो वहाँ पर वो मतलब उस स्थान का उससे मोह हो गया तो वो नहीं जाना चाह रहा है, तो यही उसमें बाधाएं आएंगी उसकी गतिशीलता में। ठीक है, संपत्ति या पैतृक व्यवसाय का मोह, ठीक है, अब ये चीज़ें आपको समझाने वाली नहीं है, खुद आप समझ रहे होंगे। ठीक है, उसका चूंकि उसका पैतृक व्यवसाय छूट रहा है तो वो नहीं जाना चाहेगा, या वो भाषा रहन सहन रीति रिवाज धर्म आदि में भिन्नता, जलवायु की भिन्नता, श्रमिकों की निर्धनता, परिवहन सुविधाओं में कमी, अज्ञानता तथा सामान्य शिक्षा की कमी, ऋणग्रस्तता, साहस तथा महत्वाकांक्षा का अभाव, सरकारी नीति। ठीक है, श्रम की गतिशीलता के लाभ देखेंगे तो श्रमिकों को भी लाभ होता है, कुशलता में उसके वृद्धि हो जाती है, ठीक है, जो उसका इफिशियंसी है, इसके पहले हम श्रमिक की कार्य कुशलता पढ़ चुके हैं इसके पहले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में। ठीक है, फिर आगे है यहाँ पर आपका श्रमिकों की मांग व पूर्ति में संतुलन, श्रमिकों का कम शोषण, अधिक तथा उत्तम उत्पादन, जनसंख्या के घनत्व का कम होना, सामाजिक समानता में को बल और सांस्कृतिक संबंध। ठीक है, यहाँ पर चलिए आपका लेक्चर लगभग कंप्लीट हो गया आज का चैप्टर, अब यहाँ पर हम मास्टर स्लाइड की मदद से पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं यहाँ पर रिवीजन, देखिए क्या लिखा हुआ है। श्रम की गतिशीलता का अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ कि श्रम की गतिशीलता से अभिप्राय श्रम का एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय पर जाने की योग्यता को कहते हैं। श्रम की गतिशीलता के स्वरूप भौगोलिक गतिशीलता, उसके बाद भौगोलिक में स्थायी भौगोलिक गतिशीलता आएगी, अस्थायी भौगोलिक गतिशीलता आएगी, व्यावसायिक गतिशीलता में आपका वर्गीय गतिशीलता है, उसके बाद से इसमें समवर्गीय गतिशीलता और विभिन्न या शीर्ष गतिशीलता। ठीक है, फिर आगे देखिए आप लोग यहाँ पर, उसके बाद से श्रम की गतिशीलता के कारण तो हमने भौगोलिक गतिशीलता के सारे कारण जो यहाँ पर पढ़ लिया है। ठीक है, और उसके बाद से क्या है आपका भौगोलिक गतिशीलता में से आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक परिस्थितियाँ, व्यावसायिक गतिशीलता में आर्थिक मजदूरी या वेतन, भविष्य में उन्नत की आशा, कार्य की सुरक्षा, कार्य की अच्छी दशाएँ, व्यवसाय का आकर्षण। वर्गीय गतिशीलता में श्रम की योग्यता, ईमानदारी, अनुभव, शिक्षा आदि, पदोन्नति में सहायक, जबकि असावधानी, कार्य में त्रुटि यहाँ पर वर्गीय गतिशीलता में है। उसके बाद से अज्ञाओं का उल्लंघन आदि के कारण, ठीक है, नौकरी से हटा दिया जाना,
या निम्न स्तर दे दिया जाना, ठीक है। उसके बाद से जो है आपका यहाँ पर श्रम की गतिशीलता में बाधाएं तो स्थानीय या पारिवारिक मोह, संपत्ति या पैतृक व्यवसाय का मोह, भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, धर्म, जलवायु भिन्नता, आराम पसंद स्वभाव, श्रमिकों की निर्धारता, परिवहन सुविधाओं में कमी, अज्ञानता तथा सामान्य शिक्षा की कमी, व्यावसायिक शिक्षा की कमी, ऋणग्रस्तता, तो ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। सरकारी नीति शास्त्र तथा महत्वाकांक्षा अभाव। फिर उसके बाद से श्रम की गतिशीलता के लाभ, तो श्रमिक को भी लाभ होता है, उसी कुशलता में वृद्धि होती है, श्रमिकों की मांग और पूर्ति में संतुलन रहता है, श्रमिकों का शोषण कम होता है, अधिक तथा उत्तम उत्पादन होता है, जनसंख्या के घनत्व कम होता और प्राकृतिक संसाधन का उपयोग, सामाजिक समानता को बल, सांस्कृतिक संबंध, ठीक है। यहाँ पर आपका जो मोबिलिटी ऑफ लेबर का चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 12 में इकोनॉमिक्स के, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको जुड़े रहना है एग्री थिंकर्स के साथ। अब ये जो मेरा नोट्स है इसके PDF के लिए ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन करके इसको डाउनलोड करके अपने नोट्स बना लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करके आप अपनी क्वेरीज आंसर के ग्रुप में पूछ सकते हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जुड़े रहे एग्री थिंकर्स।